भैयू महाराज आत्महत्याकांड में आज एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संदेही कॉन्ट्रैक्टर मनमीत द्वारा पुलिस को यह कहा गया कि महाराज और युवती में थे परस्पर संबंध। हालांकि इसके पहले भी पुलिस कई बार उससे पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन वह सच छिपाता रहा। वह महाराज के आत्महत्या की वजह गृह कला ही बताता रहा। दो दिनों में उससे कई बार पूछताछ की गई। रविवार को पुलिस के डंडे पड़ते ही वह सच बोलने लगा। कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस को बताया कि महाराज और युवती के भी संबंध थे। मैंने महाराज के कहने पर बैतूल स्थित जमीन का सौदा महाराष्ट्र की चिटफंड कंपनी संचालक वर्षा ताई से करवाया था। इसमें चिटफंड कंपनी का पैसा और अंडरवर्ल्ड का हस्तक्षेप था। कॉन्ट्रैक्टर ने युवती के बारे में कई जानकारियाँ दी। महाराज के गुजरात जाने घर आने जाने वालों की बातें भी उसने पुलिस को बताई है। इधर संदेही युवती से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने जब पूछा कि कुहू की केयर टेकर महाराज की बेटी जैसी होने के बावजूद वह शादी में क्यों नहीं गई, तो उसने कहा कि वह महाराज की शादी के दिन उनके बुलाने पर समारोह में शामिल होने गई थी, लेकिन परिवार के सदस्यों को उसका आना अच्छा नहीं लगा और उसे वहां से चले जाने के लिए कह दिया गया। पुलिस ने युवती से उसका मोबाइल भी मंगवाया। उक्त मोबाइल को भी जाँच में शामिल किया जाएगा। इधर विनायक दुधाले ने पुलिस को यह कहा है कि महाराज के पास अलग अलग लोगों के करोड़ों रुपए आते थे। उन रुपयों को वह महाराज के कहने पर उनके बताए स्थानों पर पहुंचा देता था। अभी तक वह सब इन सब बातों को छुपा रहा था। इसी तरह उसने युवती सहित अन्य लोगों के लिए भी जो बयान दिए हैं, उन बातों की तस्दीक के लिए पुलिस उसका लोगों से आमना सामना करा रही है। कुल मिलाकर अब पुलिस के हाथ कुछ तथ्य आ रहे हैं, जिनमें एक यह भी है कि कॉन्ट्रैक्टर मनमीत द्वारा महाराज और युवती के बीच संबंध के साथ ही करोड़ों रुपए की हेरफेर की जानकारी भी और सौदों की जानकारी भी दी गई है।